हेलो स्टूडेंट्स, जैसे ये पार्ट टू है, पार्ट फर्स्ट जो है आपकी बन चुकी हुई थी, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या सिखाया था उसके लिए एक बार रिपीट कर दें। जैसे यहाँ पर है एक्स और यह एक्स प्लस थ्री है, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि इसको गुणा कैसे करते हैं। एक्स की जब एक्स से गुणा होगी तो एक्स की जब एक्स से होगी तो एक्स और एक्स कितना है, एक्स ही घात दो, ठीक है। और x की 3 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 3x। x की x से गुणा तो x स्क्वायर और x की 3 से 3x। हमने जो फर्स्ट वीडियो किसी ने नहीं देखी तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि x तो लिखते हैं अचर और गुणा लिखते हैं चर। यहाँ पर 2 है अचर और चर कितना है x, 2x तो लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि x 2 लिख दिया जाए, पहले कौन लिखा जाए 2, फिर कौन लिखा जाए x। जैसे x की x से x स्क्वायर, x की 3 से गुणा होगी तो आप x 3 मत कर देना, क्या होगा 3x होगा, समझ रहे। ये चीजें आपने फर्स्ट वीडियो में सीखी है, गुणा कैसे करना है, कॉमन कैसे लेना है। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है x की घात 4 और यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, तो आपको ये होता है कम कौन है, x की घात 2, x की घात 2, तो आप x की घात 2 कॉमन ले लो। जब x की घात 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितनी घात है 4, तो 4 अगर 2 कॉमन ले लिए तो x की घात कितना बचा 2, समझ रहा है नहीं है। जैसे अगला सवाल है, यहाँ पर हमने दिया 3x की घात 3 प्लस 9x, तो ये बताओ यहाँ पर 3 है या 9 है, तो 3 से 9 कट जाएगा तो एक तो 3 कॉमन आया। x की घात कितनी है 3 और x की घात कितनी है 1, तो कम है 1, तो 1 कॉमन ले लो, तो x की घात 1 निकलेगी तो कितनी रहेगी 2, और 3 से 3 कटेगा 3 3 या 9 और जे एक्स पे ले जा सकता है, समझ रहा है नहीं है। इस तरीके से हम सवाल करेंगे। अच्छा आगे हम आपको बता दें इसमें और क्या क्या समस्या है। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। जैसे यह लिखा है 2/3, यह लिखा है मान लो 3/5, तो इसका एलसीएम जो आएगा 5 × 3 = 15, इसके नीचे गुणा होगी। अब 5 की 2 से 5 दूनी 10 और 3 की 9 से 3 दिए 9, यानी आपका आगे 19/15। ऐसे ही सवाल इसमें होंगे तो ऐसे सवाल होंगे x/3 और 3/x। अब इसे कैसे करें, समझाया नहीं है। यानी ये है 5 दूरी 10, 3 दिया 9 और ये नीचे नीचे गुणा होगी, तो इन सवालों को हम कैसे करेंगे। इस सवालों में क्या करेंगे, 3 की x से 3x होगी गुणा। अब इसकी इससे x की x से x स्क्वायर और 3 की 9 से 3 की 9, क्या बात समझ आई। जैसे 5 × 10, 3 3 9, यानी हम इसमें कैसे करेंगे, पहले इसकी गुणा करते हैं, 3 बन गए 15, फिर इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा, ओके। आगे सवाल कैसे होगा, अगर मान लो यहाँ लिखा है x/5 और यहाँ लिखा है 5/x, तो क्या करेंगे, 5 की x से 5x और x की x से x स्क्वायर, समझ आ रहा है, 25 इतना समझ में आ जाए। अब आपको इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, एक सवाल दिया हुआ है उसमें जरूरत पड़ेगी, ऐसे सवाल देखो कैसी जरूरत पड़ेगी। एक सवाल है x/3, 3/x, x/12 और 12/x, सही सवाल पता सेम ऐसे ही। अब हमने फिर से बोल रहे हैं ये बराबर का चिन्ह है, तो इधर का इधर सॉल्व करेंगे, इधर का इधर सॉल्व करेंगे। x की x से x स्क्वायर, 3 की 3 से 9 और नीचे गुणा, ओके समझाया नहीं है। अब ये जो है इसमें और चीजें क्या सीखेंगे, जो कतई बच्चा कुछ नहीं जानता है कतई जीरो से, वो भी सीख जाएगा। एक चीज आपको और नोट रखनी है इसमें, अगर मान लिखो 2/3 यहाँ लिखा है मान लो 3 और यहाँ लिखा है मान लो 4 और यहाँ लिखा है मान लो 6x, तो इससे 2 × 2, 2 × 4 कट जाएगा, 3 × 6 कट जाएगा। जैसे इसका एलसीएम लेंगे आप 3 की x से 3x, आ गया x की x से और 3 3 9, x की x से 12 × 12 = 144, 12x, कुछ समझ आया नहीं है।
यानी इसकी इधर गुणा हो गई तो इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, एक्स की एक्स से गुणा, बारह की बारह से गुणा। समझ आया? अब देखो एक एक्स से एक एक्स कट गया, नीचे का नीचे कट जाएगा, और तीन एक तीन और तीन चौक बारह, यानी आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर नौ बटे एक, एक्स स्क्वायर एक सौ चवालीस बटे चार, इससे गुणा करो चार एकम चार नेम छत्तीस। द्वारा सुनो ये सवाल, देखा समीकरण में कैसे दिया हुआ है। पहले आपको प्रारंभिक चीजें आनी चाहिए, कैसे ये तो हमने सिखाई दिया, एक्स की एक्स से एक सौ क्या है तीन तीन नौ, नीचे गुणा हो गया बारह बारह एक सौ चौवालीस, एक्स एक सौ नीचे एक से एक्स कट गया और तीन चौक बारह सही। अब यहाँ पर तिरछी गुणा करेंगे चार एक सौ क्या है चार नौ छत्तीस, ये ऐसे। अब ये बताओ आपके पास सौ रुपया, हमारे पास है मान लो नब्बे, ऐसे मान लो आपके पास दस है हमारे पास नब्बे है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मतलब एक दूसरे को लेन देन कर ले, ये वाला ऐसे दे दे तो इसके पास कितने जाएंगे सौ, यानी ज्यादा की तरफ कम आता है, या चार एक्स स्क्वायर है और या एक एक्स स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो इधर आएगा तो कितना जाएगा तीन एक्स स्क्वायर, और इस वजह से घटा दो इधर कितना बचेगा चौदह में छः के कितना बचा आठ, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आठ बटे, स्क्वायर जब उधर आएगा तो कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट आठ बटे, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, अंडर रूट में चार हो तो कितना आता है दो, और अंडर रूट में आठ तो आता है दो अंडर रूट दो, अब आठ है तो आठ को क्या लिख लेंगे हम प्लस माइनस दो अंडर रूट दो बटे अंडर रूट, ठीक है। इस तरीके के सवाल है, ऐसा नहीं कि सवाल यहाँ पर आके खत्म हो गया, जब तक ये गुणाकार नहीं आएगी कुछ समझ आया। द्वारा बात कर x की x से x स्क्वायर तीन तीन या नौ क्या करोगे माइनस में एक सौ चवालीस माइनस छत्तीस एक सौ छत्तीस उधर जाएगा हाँ भाई नीचे माइनस नीचे एक सौ आठ बचते अच्छा यहाँ एक सौ आठ होते हैं तो चवालीस में कर दिया तीन तीन या नौ और तीन से कटा एक्स स्क्वायर बराबर छत्तीस एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट छत्तीस तो एक्स बराबर आ गया प्लस वन समझ में आ गए क्लियर हुआ कुछ नहीं हल्का हल्का समझ में आया ही हुआ कई बार रिपीट करोगे देखो चीज़ क्या है कामयाब होने के लिए नंबर एक फॉर्मूला रिपीटेड किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करोगे महान हो जाओगे और आप कितने भी महान से अगर अभ्यास नहीं करोगे तो कभी गलत नहीं चलेगा सही नहीं कितना भी क्रिकेटर अच्छा से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ये नहीं करता है, है? जैसे कोई एक चीज बताओ छोटी सी सी बातें हैं अपनी जो संख्या है वो 100 करोड़ से अधिक है लगभग 150 करोड़ की करीब पहुंच चुकी है और 150 करोड़ में से 11 खिलाड़ी चुने जाते हैं क्रिकेट के लिए और अगर 150 करोड़ में से 11 खिलाड़ी में नाम लाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है सही बात है नहीं ऐसी ये है कि लाखों लोग हैं लेकिन नौकरी एक है मेहनत तो करनी पड़ेगी सही नहीं आप सोचो यहाँ पर कोई पढ़ा रहा है आपको ट्यूशन वो ऐसी फील्ड में पढ़ा रहा है नहीं उसको भी हजारों लोगों से फाइट करनी पड़ती है नहीं तो एक से एक बलवान बैठे हुए हैं तुमने कमजोरी करी दूसरा मौका मर जाएगा इसलिए रात तक पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस बारह बटी एक्स स्क्वायर माइनस चार ये सॉल्व करना सिखा रही ये किताब जो है हमारी बहुत सिंपल है चार की एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई बारह चौक तीन की एक्स से और तीन चौक बारह चार ज्यादा है तीन चार तो चार इंटू तीन आ जाएगा अड़तालीस बन जाएगा कैसे जाएगा प्लस एक सौ स्क्वायर बराबर कितना हो गया सोलह सोलह ही छत्तीस छत्तीस ये भी कितना प्लस माइनस ठीक है। धन्यवाद जय हिंद जय भारत गर्मी बहुत है।